यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं धर्मशाला में दो दिन पहले रेहड़ी वालों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्टेडियम रोड से सारी रेहड़ियां हटा दी थी, जबकि ये रेहड़ी वाले हर दिन 50 रुपए की पर्ची भी नगर निगम को देते थे। उसके बावजूद एसडीएम की अगुवाई में रेहड़ी वालों को हटा दिया गया, जिसके चलते रेहड़ी वालों के समर्थन में सीटू भी शामिल हो गया है और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खुल गया और साथ ही गांधी वाटिका से लेकर नगर निगम तक रैली निकाली गई। रेहड़ी वालों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इनका कोई हल निकाले, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।